हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली आइसक्रीम की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही कम चीज़ों से आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो आइए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया था। दूध को हमने उबाल कर आधा कर लिया है, तो आधा लीटर दूध बच गया है। तो ये देखिए, इसमें हमने 1 मुट्ठी काजू डाल देने हैं और इसे अच्छे से चलाकर मिक्स करना है। दोस्तों, अब हमें करना क्या है, इसी दूध में हमें वो छोटा वाला सा ऐसे आता है मिल्क पाउडर का, वही डाल देना है। ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और इसे भी अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना होगा। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर जो है वो अच्छे से घुल गया होगा, तो हमें इसे रेस्ट देना है। और हाँ, इसे बनाने के लिए हमें गैस जलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसे रेस्ट दे देते हैं और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए, यह रेस्ट ले चुका है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, काजू हमारा जो है वो अच्छे से फूल गया है। तो हमें करना क्या है, फिर से हमें एक बार इसे अच्छे से चला चला कर मिक्स कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या है, ये जो दूध हमने तैयार किया है इसे हमें मिक्सर की वाटी में डाल देना है। और डालने के बाद हमें करना क्या है, इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें 2 से 3 चमचे चीनी के भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर चीनी नहीं डाल रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। अब आपके पास कुल्फी मोल्ड हो तो कुल्फी मोल्ड में डाल सकते हैं, और नहीं हो तो क्या करना है, इस तरीके का एक कंटेनर लेना है और इसमें डाल देना है। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक लगाना है। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं। और लगाने के बाद हमें इसे अच्छे से ढक देना है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक लगा रही हूँ। इसके बाद मैं इसकी लीड को लगा दूंगी। और हमें करना क्या है, इसे ओवरनाइट फ्रीज करना है। फ्रेंड्स, यह रेसिपी खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, और गर्मियों में आइसक्रीम किसको नहीं पसंद होती, हर कोई चाहता है आइसक्रीम खाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ओवरनाइट फ्रीज करने के बाद हमारी आइसक्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चलिए, आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसकी लीड को खोलना है और इसके ऊपर का जो प्लास्टिक है उसे निकाल लेना है। और ये देखिए, एकदम दानेदार आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। फ्रेंड्स, वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और आपको यह रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आइसक्रीम जो है वो तैयार हो गई है। तो हमें करना क्या है, थोड़ी देर का वेट करना है। उसके बाद हमें इसके साइड को इस तरीके से प्रेस करके छुड़ा लेना है। और ये लीजिए, आइसक्रीम हमारी जो है वो अच्छे से तैयार है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। इसके बाद इसके मनचाहे टुकड़े कर सकते हैं। आपको जैसा शेप पसंद हो आप उस शेप में आइसक्रीम की कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से इसको इस तरीके से पलटना है, और आप चाहे तो 2 बारी टैप करिए, आइसक्रीम आसानी से निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।